वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो विवरण में दिया गया है। आज का क्विज विषय है 19th of March 2019 करंट अफेयर्स पार्ट 1 हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा देश डे सेविंग टाइम डीएसटी का पालन नहीं करता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। भारत डे सेविंग टाइम डीएसटी का पालन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक देश ने चीन के वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने की घोषणा की है? संकेत, वेटिकन सिटी इस देश में स्थित है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। सही जवाब है ऑप्शन ए इटली। इटली ने चीन के वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3। वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट इंडियन वेल्स मास्टर्स निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडियन वेल्स मास्टर्स एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर्स खिताब जीता है? ऑप्शन कैरोलिन वोजनियाकी, ऑप्शन बी मारिया शारापोवा, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन डी बियांका एंड्रीस्क्यू। सही जवाब है ऑप्शन डी बियांका एंड्रीस्क्यू। कनाडाई बियांका एंड्रीस्क्यू को इंडियन वेल्स मास्टर्स में चैंपियन घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5। अराकू वैली अरेबिका कॉफी, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, को निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अराकू वैली अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। वायनाड रोबस्टा कॉफी, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, को निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। वायनाड रोबस्टा कॉफी की फसल को वायनाड केरल में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। कूर्ग अरेबिका कॉफी, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, निम्न में से किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। कूर्ग अरेबिका कॉफी विशेष रूप से कर्नाटक में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। अगले 5 साल के लिए जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर वी अमरेश, ऑप्शन बी मोहन देसाई, ऑप्शन सी एम आर कुमार, ऑप्शन डी सचिन कोचर। सही जवाब है ऑप्शन सी एम आर कुमार। केंद्र सरकार ने एम आर कुमार को जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9।
मनोहर पर्रिकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च 2019 को 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 63 वर्ष, ऑप्शन डी 75 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी 63 वर्ष। गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें विदाई दी। एक वर्ष से उनका पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय महिला गोल्फर दीक्षा डागर लेडीज यूरोपीय टूर का खिताब जीतने वाली डॉट भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरी। भारतीय महिला गोल्फर दीक्षा डागर लेडीज यूरोपीय टूर का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। उनसे पहले अदिति अशोक ने वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपीय टूर एलईटी का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 12। एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में एथलीट इरफान ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान, ऑप्शन डी चौथा स्थान। सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा स्थान। जापान के नोमी में एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में एथलीट इरफान ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में चौथा स्थान हासिल किया है और उन्होंने वर्ष 2020 ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। वे ओलंपिक में कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। क्वेश्चन नंबर 13। लियोनेल मेसी ने रियाल बेतिस के खिलाफ हाल ही में कौन सी हैट्रिक लगाई है? ऑप्शन ए पहली हैट्रिक, ऑप्शन बी दूसरी हैट्रिक, ऑप्शन सी तीसरी हैट्रिक, ऑप्शन डी चौथी हैट्रिक। सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरी हैट्रिक। लियोनेल मेसी ने रियाल बेतिस के खिलाफ तीसरी हैट्रिक लगाई है। मेसी के तीसरी हैट्रिक की बदौलत बार्सिलोना ने स्पेनिश लीग ला लिगा में रियाल बेतिस के खिलाफ 4-1 से जीत हासिल की है। उन्होंने ला लिगा में 33वीं हैट्रिक लगाई है। क्वेश्चन नंबर 14। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री फॉर्मूला -1 की रेस हाल ही में किस खिलाड़ी ने जीत ली है? ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी जेम्स अलेक्सा, ऑप्शन डी स्मिथ जेम्स। सही जवाब है ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास। फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास ने हाल ही में सीजन की ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री फॉर्मूला -1 रेस जीत ली है। वाल्टेरी बोटास ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और टीम साथी लुइस हैमिल्टन को 20 सेकंड से हराया है। इस जीत के बाद बोटास ने कहा, यह मेरी अब तक की बेस्ट रेस है। क्वेश्चन नंबर 15। एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी डोमिनिक थियेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है
ऑप्शन सी डोमिनिक थीम एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2019 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को 3-6, 6-3, 7-5 से हराकर डोमिनिक थीम ने खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड नंबर 8 थीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 16 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय शटलर बी साई प्रणीत ने कौन सा मेडल जीता है। ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रोंज मेडल, ऑप्शन डी गोल्ड और सिल्वर दोनों। सही जवाब है ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय शटलर बी साई प्रणीत ने सिल्वर मेडल जीता है। बी साई प्रणीत फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 शियुकी के हाथों 21-19, 18-21, 12-21 से हार गए। क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कौन सा सत्र संपन्न हो गया है। ऑप्शन ए पहला सत्र, ऑप्शन बी दूसरा सत्र, ऑप्शन सी तीसरा सत्र, ऑप्शन डी चौथा सत्र। सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा सत्र। हाल ही में केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र संपन्न हो गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित वैश्विक समस्याओं के निदान संबंधी उपायों पर चर्चा करना था। क्वेश्चन नंबर 18 लानसेट रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में किस बीमारी से निपटने के लिए रोधी दवा का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए टी बी, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी थायरॉइड। सही जवाब है ऑप्शन सी मलेरिया। लानसेट रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में मलेरिया बीमारी से निपटने के लिए मलेरिया रोधी दवा का सफल परीक्षण किया गया है। इस अध्ययन में लगभग 2,700 लोगों पर प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 टेस्ट मैच में आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर किस देश की क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। ऑप्शन ए होंगकोंग, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने टेस्ट मैच में आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान अपने दूसरे टेस्ट में ही जीत हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कॉमेंट करें। एंड आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।